हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज पूरे यूपी में जो है 144 धारा लागू कर दी गई है। तो इस वजह से जो है धारा 144 है, उसमें जनरली ये होता है कि ग्रुप में आप कोई भी जो है 4 से 5 लोग ग्रुप में खड़े नहीं हो सकते कहीं भी शहर में, है ना। तो ये चीज़ होती है। बट ये मेरे को तो क्या है ना, दूर जाना थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर शहर के बाहर, तो आप कहीं भी आप निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं भी शहर में जो है ग्रुप में निकल सकते हैं, ये बैन होता है एक्चुअली। चलिए मैं निकलता हूँ वर्किंग पे, फिर मेरे को तो निकल जाना शहर से बाहर ही बाहर, तो करते हैं फिर बात आपसे। चलिए ये जो लड़का तोड़ रहा है ना फूल, बता रहा है इससे सेंट बनता है। देखना पड़ेगा यार कौन सा पौधा है। गूगल पे सर्च मारता हूँ भाई। देखो मोर नहीं है यार ये, आई थिंक ये देखो है, कहाँ गई ये रही, दूसरी कहाँ गई ये रही, ये रही, ये मोर नहीं है यार। मोर कहाँ, मोर भी तो थे वो खड़े हुए हैं। देखो मोर, और कितने सारे मोर हैं वहाँ, ये देखो ये सारे मोर हैं, ये देखो ये हैं, ये देखो हैं, पूरा बाग है। सो भाई गर्मी भयंकर हो रही है इस टाइम, गर्म उमस सी जैसे हो रही है। आया हूँ अभी कम से कम 30 किलोमीटर दूर तो है लगभग बरेली से, आया हूँ एक फार्म की तरफ, बस थोड़ा सा मिलना था आपको, दिखा दूँगा मोर दिखाया मैंने आपको। देखो मोर देखना, एक ही टहल रहा, देखो दिख गया नहीं दिख गया, वो दिख रहा है। अरे कहाँ गया यार, दिख गया भाई, वो दिख नहीं रहा यार, पता नहीं कहाँ है। इधर देखो खूब सारे मोर हैं, वो मोर नहीं आए दो उधर, इधर मोर दिख रहे हैं। ये देखो मोर बैठे हुए हैं अपने दाना चुग रहे, ये दो तीन तीन चार मोर हैं यार इधर, देखो मोर नहीं, चलो कत्ती के जो ये मोर नहीं भाई, ये कहीं इधर रास्ता पार कर रही है, ये देखो है, ये आई इधर को, गजब है देखा, मस्त लग रहा है यार। जानवर कितने अच्छे लगते हैं दूर से, देखो सुंदर लगते हैं। सो भाई सुकून बड़ा लग रहा है यार, गांव है ना यहाँ पे, पेड़ पूरे बाग बाग हैं, इतना मस्त लग रहा है ना इस टाइम। लेकिन उमस हो रही गर्मी के मारे, थोड़ा हालत ख़राब हो रही है, मैं अब निकल लूँगा फिर यहाँ से, मैं निकल रहा हूँ ठीक है। चलिए चलते हैं फिर भाई, ठीक है फ्रेंड्स, चलो। तो फ्रेंड्स एक थोड़ा सा रुक गया था ज़रा 5-10 मिनट, मैं चलो थोड़ा छाई में रह लो यार, 5 मिनट का रेस्ट ही मिल जाए ना, एनर्जी आ जाती है फिर। ये देखो आम का पेड़ बौर आ रहे हैं, ये देखो कितना बौर आ रहा है, गर्मियों में आम भी आम आएंगे इसमें, फिर मस्त पेड़ हो रहा है। गर्मी इतनी हो रही है, हाल हो रहे हो रहे बाइक चलाने में। चलो यार चलना तो है फिर, पानी वानी पी लिया भी थोड़ा सा, चलते हैं फिर आ रहे। तो फ्रेंड जब आया था मैं शहर में तो थोड़ा सा ठीक ही है, मतलब सब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लोग आने जाने वाले सब जा ही रहे हैं, फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि जब दिक्कत होती है ना तो कुछ सेंसिटिव एरिया होते हैं वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो फिलहाल ठीक था, नॉर्मल था, तो चला आया था इधर के लिए वर्किंग करने के लिए। चलो इधर से हो गई वर्किंग, अब निकलता हूँ फिर मैं, है ना। फिलहाल कोई ऐसी ट्रैफिक अच्छा खासा चल रहा है फिलहाल भी शहर में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जहाँ कोई दिक्कत होती है वहाँ ज़्यादा होता है।
चलो निकलता हूँ फ्रेंड्स इधर से फिर आप। आ गया था मैं वर्किंग से अपना शाम को, फिर अपना कुछ सामान वामान लेने जाना था तो बाज़ार गया, फिर शाम वहाँ से अपना कुछ सामान वामान लेके खाने पीने का वापस आ गया अपना। बाकी फ्रेंड्स एक चीज़ और है जो मैं कहना चाहता हूँ, जनरली जैसे क्या होता है हम लोग जैसे ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं, जनरली मेरे साथ ही आज क्या हुआ, मैं जा रहा था जैसे आज तो एक रेड लाइट होती है, तो मेरी जो है मैं जिस रास्ते से मैं जा रहा था ग्रीन लाइट हो गई थी, ठीक है, उधर से जो दूसरा बंदा आ रहा था वो रॉन्ग साइड में आ रहे थे, मतलब उनकी तो तरफ से रेड लाइट थी बट वो भी फिर भी चले आ रहे थे। तो अननेसरी यार लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि बिना बात में ही जनरली आप रॉन्ग साइड पर जा रहे हो या रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, ट्रैफिक रूल सिग्नल आप तोड़े जा रहे हो, उससे कोई फ़ायदा थोड़ी है यार, कम से कम रूल तो फॉलो करो कम से कम यार, है ना, जो बनाए हैं। उससे पहले क्या होता था लोग फॉलो नहीं करते थे तो लोगों का चलान कट जाता था, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर सुधर गए लोग, बट होते हैं कुछ यार 2-4% होते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, तो भैया ना फिर वो उनको फिर वो प्रॉब्लम में ही फंसते हैं फिर वो चीज़ें। तो बस मेरा यही कहना है कि यार रूल फॉलो करो और कुछ नहीं यार बस, यानी बाकी क्या उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, रूल फॉलो करना भी चाहिए वैसे। बाकी बस फ्रेंड्स बस अभी खाना वाना खा लिया है, तो अभी बस खाना वाना खा के बस थोड़ा टहल टहल के अपना लेटूंगा आराम से, थक भी गया हूँ सुबह से, शाम दिन में दौड़ भागी हो जाती है यार। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।